हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? द ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशन आर रेफर्ड एज ऑपरेंड। जो ऑपरेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर्स, ठीक है, जो ऑपरेशन रिप्रेजेंट करेगा क्या, ऑपरेटर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशन आर रेफर्ड एज ऑपरेंड्स। सिंपल सा अगर हम लोग करते हैं 2 + 6, तो 2 और 6 क्या ऑपरेंड है, और हमारा जो प्लस है वो क्या ऑपरेटर है। मीन्स जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को ऑपरेट करेगा। क्या करेगा? ऑपरेट करेगा, बताएगा इन दोनों का क्या करना है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऑपरेटर। अब टाइप्स है कि ऑपरेटर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिसमें आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड फ्लोर डिवीजन एक्सपोनेंटेशन, ठीक है, और मॉडुलस, ये आप क्या आएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। मतलब इन सब में हमें 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी। कितने रिक्वायर्ड? 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड, 2 ऑपरेंड्स, ठीक है। कुछ 1 ऑपरेंड के भी होते हैं, इसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर जिसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, रिक्वायर्ड 1 ऑपरेंड, ऑपरेंड 1 ऑपरेंड की जरूरत होगी इसमें। यूनरी प्लस होता है, यूनरी माइनस होती है, ठीक है, प्लस यूनरी और माइनस यूनरी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने दिया इफ a = 5, a assign 5, तो आप देख सकते हैं a assign 5 क्या है, then plus a means 5, plus a means क्या होगा 5, plus a means क्या होगा 5 होगा, ठीक है। सिंपल चीज, अगर हमने 0 दिया तो plus a means 0। अगर आपने दिया यहां पे if a assign 0 plus a means 0, तो इस टाइप से ये डिफाइन होगा। अगर आपने दिया यहां पे if a = -4, तो क्या प्लस a means -4, इस टाइप से इसको डिफाइन करेंगे। देखिए यहां पे ऑपरेटर, देखिए यहां पे देखिए ऑपरेंड क्या क्या है, जो हमारे जो ऑपरेंड है वो एक यूज होगा, ठीक है, क्या यूज हो रहा है a। यहां पे क्या देखिए प्लस 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 हो रहा है, इसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर। अब जैसे हमने मान लो यहां पे किया, अगर माइनस का किया इफ ए असाइन 5 देन माइनस ए, ये माइनस ए मींस -5, यदि माइनस ए मींस -5, इसमें देखिए इस टाइप से ये यूज होगा। देखिए ये इस टाइप से यूज होंगे, देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस टाइप का 0, इस टाइप से देखिए सिंगल सिंगल आ रहा है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। केवल 1 रिक्वायर्ड किसी में होती है, 1 ऑपरेंड की, समझ आया चीज। और इसमें आपको अगर प्लस करना है तो 2 वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड 2 ऑपरेंड्स। आपका है बाइनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स। सो फर्स्ट है एडिशन, क्या है एडिशन, एडिशन ऑपरेटर।
इसमें क्या मिलेगा प्लस साइन, क्या होगा प्लस साइन। तो आपको पता सिंपल सा है दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी आपको, ठीक है। सेकंड है सब्ट्रैक्शन होगा, ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़ते चले आ रहे हैं तक, इसमें माइनस का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद डिवीजन का, क्या डिवीजन ऑपरेटर, इसमें क्या है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन स्ट्रिंग में हम लोग क्या यूज करेंगे। अब जैसे मान लो प्लस का है, ऐसे देखिए मल्टीप्लीकेशन का लिख लीजिए, फोर है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग में क्या करेंगे रिप्लीकेशन के लिए वर्ब होता है। जैसे हमने बताया ना, जैसे हमने लिखा हेलो एस्ट्रिंग दिया टू, आंसर क्या होगा हेलो, मतलब रिप्लीकेट कर देगा, दो टाइम्स कर देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में यूज होगा, किसमें यूज होगा स्ट्रिंग में, यूज इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी है फ्लोर डिवीजन, फिफ्थ क्या है फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, इसका साइन होता है डबल स्लैश। इसकी मीन इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू चाहिए, सिंपल सा है, अगर आप 10 अपॉन 2 करेंगे तो ये डिवाइड हमें आंसर क्या मिलेगा 5.0 मिलेगा, हमेशा याद रखना 5.0, क्यों फ्लोट डिवीजन सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, इज यूज टू फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट यूज हो रहा है तो वैल्यू कैसी आएगी, फ्लोटिंग पॉइंट होनी चाहिए, तो 5.0। अगर आपने यहाँ पे फ्लोट डिवीजन मेथड लगाया तो आपको आंसर क्या मिलेगा 5, यानी पॉइंट जीरो को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमेशा इंटीजर वैल्यू मिलेगी फ्लोट डिवीजन मेथड, ठीक है। ऐसे मॉडुलस ऑपरेटर, क्या होता है मॉडुलस ऑपरेटर, इसमें क्या परसेंटेज साइन होता है, इसमें क्या रिमाइंडर होता है, क्या निकालता है, ये रिमाइंडर निकालता है, जैसे हमने किया 19 डिवाइड बाई 2 जब मोड लगाया हमने, ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1, आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, क्यों मॉडुलस जो होता है वो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा रिमाइंडर निकालेगा इसमें से, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं रिमाइंडर के लिए, वैसे अगर डिवाइड करते तो हमारा 8 कितना आता 9.5 आता, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 1 आ रहा, क्यों क्योंकि ये रिमाइंडर निकाल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या ऑपरेटर्स हैं, सम आया होगा ऑपरेटर साथ में, लास्ट आपका एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर, एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर इसको इसको भी देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे, ऑपरेटर इसका यूज करते डबल एस्ट्रिक का, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, अगर हमें पावर निकालनी है, जैसे मैंने दिया है 4 डबल एस्ट्रिक 2, इसका मींस क्या होगा 4 की पावर 2, आंसर क्या होगा 16, तो ये होगा इसका एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये आपके ऑपरेटर्स खत्म हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब बचा आर्गुमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आर्गुमेंटेड असाइनमेंट का कल हम डिस्कस करेंगे, विजय सर कहाँ, विजय को, ठीक है। बाकी आप पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, पूछ सकते हो, ठीक है। लाइव क्लास लेंगे कल, तो कल लाइव क्लास में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।